अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को लगा एक और झटका। पिछले 6 साल में विकास दर सबसे कम स्तर पर पहुंची। विकास दर 5 से घटकर 4.5% हुई। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी भारी गिरावट। जीडीपी में गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, ये मोदीनोमिक्स नहीं पकोड़ानोमिक्स है। मोदी सरकार पर लगाया अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप। सोने के गहनों के लिए सरकार ने जरूरी की हॉलमार्किंग। 15 जनवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। बिना हॉलमार्किंग सोना बेचने पर लग सकता है 1,00,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने संभाला अपना कार्यभार। दफ्तर में शिवाजी महाराज के फोटो पर माला चढ़ाकर किया नमन। सीएम का कार्यभार संभालने के बाद उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। कहा, मैं पहला सीएम हूं जिसका जन्म मुंबई में हुआ है। मेरे दिमाग में है कि इस शहर के लिए क्या करना है। मुंबई के पास स्थित आरे में मेट्रो शेड के निर्माण पर भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लगाई रोक। कहा, मेट्रो शेड का काम बंद नहीं होगा लेकिन अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने एनसीपी विधायक दिलीप वलसे पाटिल। विधानसभा में उद्धव ठाकरे कल करेंगे बहुमत साबित। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। कहा, लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल को अलायंस बनाने से नहीं रोक सकते। भारत श्रीलंका की संयुक्त पीसी। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ है भारत। दोनों देश मिलकर लिखेंगे एक नया अध्याय। भारत और श्रीलंका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे। कहा, रक्षा और आर्थिक मुद्दे पर मिलकर करेंगे काम। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया और मोदी ने द्विपक्षीय बैठक में लिया बड़ा फैसला। श्रीलंका पकड़े गए सभी भारतीय मछुआरों को करेगा रिहा। भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मिले एनएसए अजीत डोवल। राष्ट्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अधिग्रहण और एएससीए पर पीएम मोदी से आबे करेंगे बातचीत। राहुल गांधी का बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा है, मुझे आतंकी कहना है गैर कानूनी। गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा ने संसद में मांगी माफी। कहा, मेरे बयान को गलत समझा गया, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगती हूं। गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने संसद तक किया पैदल मार्च। प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। राहुल ने कहा, अपने बयान पर नहीं मांगूंगा माफी। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। सीबीआई के 198 बंद केस पर ढींगरा आयोग की रिपोर्ट पर अदालत करेगी विचार। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। जेएनयू फीस बढ़ोतरी के बाद हुए विवाद को सुलझाने वाली कमेटी ने भी फीस बढ़ाने से पहले छात्रों की राय को जरूरी बताया, लेकिन कमेटी ने बढ़ी हुई फीस को पूरी तरह से हटाने से किया इनकार। जेएनयू फीस वृद्धि विवाद पर जेएनयूएसयू डेलीगेशन ने एमएचआरडी की कमेटी से की मुलाकात। फीस वृद्धि पर बनी कमेटी से सोमवार तक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। अब अगले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन करने के बाद आतंकी कर रहे हैं सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। इससे पहले 90 की दशक में आतंकी बातचीत करने के लिए करते थे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम दिल्ली की एक अदालत के सामने हुए पेश। चिदम्बरम के साथ काम कर चुके 6 आरोपी अधिकारियों को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली सहित 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। तीनों नक्सलियों पर 6,00,000 का था इनाम। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कालियागंज खड़गपुर सदर करीमपुर सीट पर दर्ज की जीत। ममता ने कहा, जनता ने एनआरसी को किया खारिज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में उपचुनाव के नतीजे आते ही एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। लखनऊ में 47वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन समारोह हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए।
ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि आपराधिक मानसिकता वालों के मन में पुलिस का भय बेहद जरूरी है, कम्युनिटी पुलिसिंग को और बढ़ाने की जरूरत है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में अमित शाह ने पुलिसिंग रिफॉर्म पर दिया जोर, आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव का भी अमित शाह ने किया खुलासा। यूपी के जेवर एयरपोर्ट की बिडिंग प्रक्रिया में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने लगाई सबसे बड़ी बोली, बिडिंग में कुल 4 कंपनियां शामिल थीं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण करेगी ज्यूरिख इंटरनेशनल, यूपी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख इंटरनेशनल। यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी, यूपीपीसीएल के तत्कालीन सीएमडी संजय अग्रवाल से दिल्ली में पूछताछ। यूपी के सोनभद्र में मिड डे मील के नाम पर बच्चों से भद्दा मजाक, 1 लीटर में बाल्टी भर पानी मिलाकर 81 बच्चों को बांटा गया दूध, वीडियो वायरल होने से हड़कंप, जांच जारी। यूपी के सोनभद्र में मिड डे मील में डीएम की कार्रवाई, विद्यालय के शिक्षा मित्र को किया सस्पेंड, 1 लीटर दूध में पिलाते थे 80 बच्चों को। यूपी के बदायूं में एक बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और खुद जहर खा लिया, बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगुस्ता वेस्टलैंड के ईडी मामले में रतुल पुरी की जमानत अर्जी पर फैसला किया सुरक्षित, रतुल पुरी पर अगुस्ता वेस्टलैंड डील में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की पूजा करना हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, 15 नवंबर को की गई थी पूजा। इंडियन रेलवे ने की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर खास व्यवस्था, दृष्टिबाधित यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेशन पर ब्रेल लिपि इंडिकेटर लगाए, इसकी मदद से रेलवे स्टेशन के नक्शे को समझ सकेंगे। आगर मालवा में सामने आई पुलिस विभाग की लापरवाही, मृतक सब इंस्पेक्टर का कर दिया गया ग्वालियर ट्रांसफर, 12 नवंबर को हो चुकी है सब इंस्पेक्टर छोटेलाल की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रेलवे स्टेशन के पास दिन दहाड़े 2 युवतियों का अपहरण, किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची एक युवती, नाकेबंदी कर शुरू की गई किडनैपर्स की तलाश। बिहार के पटना में अनशन पर बैठे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी, पीएमसीएच ले जाते वक्त समर्थकों ने रोका एम्बुलेंस, डाक बंगला चौक पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज। पटना में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की आवाज के बाहर आरएलएसपी का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नेम प्लेट पर पोती खाली। बिहार में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मांग को बिहार सरकार ने किया खारिज, जमीन देने से किया इनकार, कुशवाहा ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक करूंगा आमरण अनशन। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने देश में 500 रुपये के नोट को बताया गैर जरूरी, कहा अमेरिका और यूरोप में 100 रुपये से ज्यादा के नोट का प्रचलन नहीं तो अपने देश में क्यों। झारखंड के दुमका सीट से हेमंत सोरेन ने भरा पर्चा, जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद, राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में पहले चरण का मतदान कल, पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। कल से झारखंड में इम्तिहान, प्रचार थमने के बाद आज बूथ मैनेजमेंट की बनी रणनीति, पहले राउंड में कल 13 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के बीजेपी पार्टी ऑफिस में बदमाशों ने लगाई आग, बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया आग लगाने का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, आग से करीब 20 लाख का हुआ नुकसान। राजस्थान सरकार ने रबी सीजन 2020-21 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य को किया घोषित, राजस्थान सरकार ने 85 रुपये बढ़ाकर गेहूं के समर्थन मूल्य को 1925 रुपये प्रति क्विंटल किया। राजस्थान विधानसभा में आरएसएस पर बोले सीएम गहलोत, कहा आरएसएस का सरकार में सीधा दखल, राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। जयपुर में केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सीएम गहलोत के नेतृत्व में निकाला पैदल मार्च, अविनाश पांडे सचिन पायलट भी रहे मौजूद। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी सांसदों का मंथन, निकाय चुनाव में प्रदर्शन पर हुई समीक्षा, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बनी रणनीति। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर में कोहरे ने मचाया कोहराम, 2 वाहनों की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के दाहोद जिले सांजेली में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, सभी की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी।
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप हत्या मामले में सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं गुड़िया के माता पिता, निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। रूपनगर के नेहरू स्टेडियम में आज से 1 दिसंबर तक डिजिटल म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर नेत्रहीन यात्रियों को ब्रेल लिपि में लगे मिलेंगे इंडिकेटर। भारतीय रेलवे की चंडीगढ़ स्टेशन पर एक अच्छी पहल। कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी। नेशनल हाईवे 44 बंद होने पर फंसी कई गाड़ियां। केदारनाथ में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप। बद्रीनाथ भी बर्फ की चादर से ढका। भक्तों के दर्शन करने के हिसाब से लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ शिरडी के साईं बाबा का नाम। शिरडी में हर रोज 25,000 से ज्यादा भक्त आते हैं साईं बाबा का दर्शन करने। आंध्र प्रदेश के जल शक्ति मंत्री अनिल कुमार पर कुरनूल में मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले में मंत्री समेत 50 लोग घायल। महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या केस में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से 1 ट्रक ड्राइवर तो दूसरा क्लीनर। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 की उम्र 20 साल है। महिला डॉक्टर की हत्या से पहले पुलिस ने दुष्कर्म की पुष्टि की। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए पुलिस ने दायर की अर्जी। आरोपियों ने पीड़िता की गाड़ी को पंक्चर कर किया उसे अगवा। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पीड़िता की मदद करने का किया दिखावा। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की हत्या करने के 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कल चत्तनपल्ली अंडरपास के पास मिला था जला हुआ शव। बहन से बातचीत के बाद बुधवार रात से बंद था मोबाइल फोन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि युवती के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि रेप के बाद जलाकर मार दिया गया। हैदराबाद रेप मामले में तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली का शर्मनाक बयान। कहा, बहन को फोन करने से पहले करना चाहिए था 100 को कॉल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में 1 शख्स को किया गिरफ्तार। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने की भागने की कोशिश। तमिलनाडु के मदुरै में इंजीनियरों ने बारिश के पानी को बचाने का तरीका सिखाने के लिए खोला इंस्टीट्यूट। बारिश का पानी कैसे बचाया जा सकता है इसका तरीका लोगों को सिखाएंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और एचडी कुमार स्वामी के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज। आईटी रेड के खिलाफ आयकर विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर हुआ केस दर्ज। तेलंगाना में पिछले 54 दिनों से चल रही तेलंगाना परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने टीएसआरटीसी कर्मचारियों की सभी मांगों को मानने का दिया आश्वासन। पूर्व तेलुगु देशम विधायक राजशेखर रेड्डी ने बीजेपी की ली सदस्यता। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी की ज्वाइन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर निगम में सफाई कर्मी के पद के लिए 7,000 इंजीनियर, स्नातक और डिप्लोमाधारियों ने आवेदन किया है। नगर निगम ने 549 पदों पर निकाली है भर्ती। तेलंगाना के हैदराबाद में मंत्री केटी रामाराव ने टिरियनो पिज्जा सेंटर का किया उद्घाटन। सीएम एसटीईआई स्कीम के तहत युवाओं ने शुरू किया सेंटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ रही महिला का बिगड़ा बैलेंस, बालकृष्ण नाम के जवान ने संभाला। तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोड़ी पिलर जर्जर हालत में, सही रखरखाव नहीं होने के चलते हुआ बुरा हाल। लोगों ने प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। केरल यूनिवर्सिटी में ब्लू इकोनॉमी पर कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। मत्स्य मंत्री मर्सिकुट्टी अम्मा ने किया शुभारंभ। तमिलनाडु में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश के चलते त्रिची के आज सभी स्कूल बंद। ट्रैफिक नियम पालन करवाने के लिए बेंगलुरु पुलिस की नई पहल। सड़कों पर अब दिखेंगे पुलिस के पुतले। 1 हफ्ते में 200 पुलिस के पुतले लगाने का लक्ष्य है। गोवा में खनन कार्य से जुड़े परिवारों ने गोवा के दमन और दीव खनन रियायत समापन कानून 1987 में की संशोधन की मांग ताकि राज्य में जल्द से जल्द खनन कार्य हो शुरू।
हांगकांग पुलिस ने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में चलाया सर्च ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी के अंदर से पुलिस ने 1000 पेट्रोल बम किए बरामद। अल्बानिया में भूकंप के बाद हुई तबाही से मरने वालों की संख्या 42 हुई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 26 नवंबर को आया था रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता वाला भूकंप। हंगरी में यूक्रेन के नाविक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। मई में यूक्रेन के नाविक ने समंदर में दूसरे जहाज को मारी थी टक्कर। हादसे में क्रूज के डूबने से हुई थी 27 लोगों की मौत। इराक के नासरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने चलाई गोलियां। पुलिस फायरिंग में 24 प्रदर्शनकारियों की मौत। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस बिलिंग सिस्टम को सरकार जरूरी बनाने जा रही है। 1 अप्रैल 2020 से ई इनवॉइस सिस्टम जरूरी होगा। ई इनवॉइस बिलिंग सिस्टम की अनिवार्यता 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए होगी और केवल बिजनेस टू बिजनेस वाले लेन देन के लिए ही होगी। ओला या उबर कैब में सफर करना हो सकता है सस्ता। सरकार ओला उबर कैब एग्रीगेटर्स के लिए जल्द ही लाएगी नए नियम। वसूलते हैं 20% कमीशन। घटाकर सरकार कर सकती है 10% कमीशन। 1 दिसंबर से देश में मोबाइल टैरिफ का बढ़ना तय। दूरसंचार नियामक यानी ट्राई ने फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों की ओर से की जाने वाली टैरिफ बढ़ोतरी में हस्तक्षेप से किया इनकार। भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। पूरी सीरीज में पोलार्ड करेंगे वेस्टइंडीज की कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक कालिस ने आधी शेव वाली तस्वीर की शेयर। सेव द राइनो अभियान को तेज करने के लिए शेयर की आधी शेव वाली तस्वीर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जनवरी 2020 में टेनिस कोर्ट पर करेंगी वापसी। मां बनने के बाद से सानिया है टेनिस से दूर। आखिरी बार अक्टूबर 2017 में चीन ओपन में दिखी थी सानिया। नहीं रही अजय देवगन की फिल्म रेड और पेविक्विट की स्टाइलिश दादी। 85 साल की उम्र में पुष्पा जोशी का निधन। पिछले हफ्ते अपने ही घर में पैर फिसलने से गिरने के बाद थी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर फिल्म बनाने को प्रोड्यूसर्स हुए बेताब। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और टी सीरीज ने टाइटल कराया रजिस्ट्रेशन। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता की भतीजी दीपा को फिल्म थलाइवी के मेकर्स पर मुकदमा करने की अनुमति दी। जयललिता पर बन रही फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट देखना चाहती है दीपा। रामगोपाल वर्मा की एक और फिल्म पर आंध्र प्रदेश में विवाद। कम्मा राज्यम लो कड़ापा रेडलू नामक फिल्म में चंद्रबाबू नायडू जगन रेड्डी को लेकर मुख्य किरदार। 77 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए रिटायरमेंट की लिखी बात। लिखा कि मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है। उंगलियां कहीं और जा रही हैं। फिल्म पति पत्नी और वो के प्रमोशन में जुटी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। फिल्म प्रमोशन पर कार्तिक अनन्या और भूमि ने की जमकर मस्ती।